श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन ना कल है और ना आज में है, जीवन इस पल में है। इस पल का अनुभव ही जीवन है। हम दुनिया से कभी शांति नहीं पा सकते जब तक हम खुद अंदर से शांत ना हो। फूक मारकर हम दिए को तो बुझा सकते हैं, पर अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो महकता है उसे कौन बुझा सकता है, और जो जलता है वह तो खुद ही बुझ जाता है। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, अगर दूसरों से बहस करोगे तो नए सवाल खड़े हो जाएंगे। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप सफल हैं या नहीं, महत्वपूर्ण ये है कि आप उतने सफल हुए या नहीं जितनी आपके भीतर क्षमता थी। उसी ने जगत बनाया है, कनकन में वो समाया है, दुख भी सुख सा बीतेगा सर पे जब श्री कृष्ण का साया है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर परिस्थितियों पर आपकी पकड़ मजबूत है तो जहर उगलने वाला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिस राह पर आप अकेले रह जाते हैं तो समझिए आप सही राह पर चल रहे हैं, क्योंकि सच की राह पर अपने विचारों के सिवा कोई साथ नहीं देता। जब तीर लगा था तब इतना दर्द नहीं हुआ था, जख्म का एहसास तो तब हुआ जब कमान देखी अपने के हाथों में। फूल कभी दो बार नहीं खिलते, जन्म कभी दोबारा नहीं मिलते। मिलने को तो हजारों लोग मिल जाते हैं, पर आपके लाखों गलतियां माफ करने वाले माँ बाप नहीं मिलते। दुनिया में किसी पर हद से ज्यादा निर्भर ना रहे, क्योंकि जब आप किसी की छाया में होते हैं तो आपको अपनी परछाई नजर नहीं आती। वो बिन कहे मोहब्बत करते रहे और हम उनसे कहने के लिए तरसते रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में सभी एक जैसे नहीं है, इसलिए जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो, तथा जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। आत्मा को निरंतर साफ करते रहे, दुनिया को निरंतर माफ करते रहे, और परमात्मा को निरंतर याद करते रहे, जीवन सरल हो जाएगा। जीवन में वाणी को संयम से रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। जिसने मुझे ठुकरा दिया, मेरा वक्त देखकर मैं कसम खाता हूँ एक दिन ऐसा वक्त लाऊंगा कि मुझसे मिलना पड़ेगा उन्हें वक्त लेकर। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी इंसान मुस्कुराना भूल जाता है। लोग कहते हैं किसी एक के चले जाने से जिंदगी नहीं रुक जाती, मगर ये नहीं जानते कि लाखों के मिल जाने से भी उस एक की कमी पूरी नहीं होती। किस पर ठहरती है नजर, ये नजर नजर की बात है। कौन किसका बन जाता है, ये किस्मत की बात है। किसी के लिए पूर्ण समर्पित होना मुश्किल नहीं है। अगर आपको जिंदगी में सफल बनना है तो सफल आदमी से ज्यादा असफल आदमी की कहानी पढ़ना होगा, क्योंकि सफल आदमी की कहानी से आपको सिर्फ सार मिलेगा, लेकिन असफल आदमी की कहानी से आपको सफल होने का ज्ञान मिलेगा। कामयाब होने के लिए एक तड़प होनी चाहिए। दुनिया में हर कोई कामयाब होना चाहता है, लेकिन हर कोई कामयाब हो नहीं पाता। जिसके मन में अपने लक्ष्य के प्रति तड़प होता है, कामयाबी उन्हीं को मिलती है। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस चीज पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी पर इतना विश्वास करो कि तुम्हें छल देते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। इससे किसी का मतलब नहीं कि तुम किसी काम को कैसे करते हो। लोग सिर्फ नतीजा देखते हैं, इसलिए हर काम को अच्छे से करो। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग हमारी कदर इसलिए भी नहीं करते, हम उन्हें एहसास दिला चुके होते हैं कि हम उनके बिना नहीं रह सकते। अच्छे लोग रोड के किनारे पर लगी लाइट के समान होते हैं, वह मंजिल का फासला तो कम नहीं कर सकते, लेकिन वो रास्ते को रोशनी से भर देते हैं और सफर को आसान और सलामत बनाते हैं। गुस्से के वक्त बर्दाश्त का एक लम्हा आपको जिंदगी भर शर्मिंदा होने से बचा लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्म का काल बनना सीखो, और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो तुम्हारे साथ, पर यकीन रखना ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। समझदार इंसान वो नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे, समझदार इंसान तो वो है जो उस फेंकी हुई ईंट से अपना आसियाना बना ले। जिंदगी की सुंदरता इस बात से नहीं है कि आप जिंदगी में कितना खुश रहते हैं, बल्कि इस बात से कि कितने लोग
आपकी वजह से खुश रहते हैं। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वही होता है जो धोखा खाकर भी दूसरों की मदद करना नहीं छोड़ता। कश्तियां उन्हीं की डूबती है जिनके ईमान डगमगा जाते हैं, जिनके दिल में नेकी हो उनके लिए ईश्वर भी रास्ता बनाते हैं। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा यकीनन रोएगा। व्यक्ति का व्यवहार देखना हो तो उसे सम्मान दो, और अगर आदत देखनी हो तो स्वतंत्र कर दो, नियत देखनी हो तो कर्ज दो, और गुण देखना हो तो उसके साथ कुछ समय बिताओ। तेरी मर्जी से ढल जाऊं हर बार ये मुमकिन नहीं, मेरा भी अपना वजूद है, मैं कोई आईना नहीं। मृत्यु का भय उनको है जिनके कर्मों में दाग है, हम श्री कृष्ण के भक्त हैं, हमारे खून में ही आग है। श्री कृष्ण कहते हैं संसार का यही नियम है, जहां संयोग है वहां वियोग भी तो है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस में ना कहीं और। श्री कृष्ण कहते हैं हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए, हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता, क्योंकि अत्यधिक प्रेम ही व्यक्ति को बुद्धिहीन कर देता है। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच कथन और कर्म में समानता हो। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है आप नहीं। जैसे तेल समाप्त होने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के सिर्न हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। समझदार व्यक्ति कभी इतिहास नहीं रचता, वह केवल इतिहास को पढ़ता है। इतिहास वही रचता है जो अपने लक्ष्य के प्रति पागल और जिद्दी होता है। मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती है पर कोई नाम नहीं होता, जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा